बिल्कुल रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एंड इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ सीएसएबी की, जो आप सभी की काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो है वो चॉइस फिलिंग को लेकर। सो देखो, सीएसएबी की जो काउंसलिंग अभी होने वाली है उसमें जो है वो चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले जो है वो अभी वैकेंसी आएगी वैकेंट सीट की, वैकेंसी मैंने कह दी, तो वैकेंट सीट का जो है वो डेटा आपके पास आएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांचेस में कितना सीट्स इम्प्टी है, और फिर आपको जो है वो उस हिसाब से आपको जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी रैंक बहुत ही कम है, मीन्स बियॉन्ड 30, 40, 50, 60, 70 या फिर लाख के बाद आपकी रैंक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करने होंगे अगर आप जो है वो चाहते हो कि आपको 100% सीट्स मिले। क्योंकि देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो आपकी रैंक भी बहुत ख़राब है और आप सिर्फ CS IIT भर दो और आपको अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉलेज के साथ, ब्रांच के साथ। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ोगे तो आपको जो है वो चांसेस रहेंगे सीट्स मिलने की। अब अगर आपको पता है कि आपको कौन से ब्रांच में जाना है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ब्रांच जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, तो उस केस में जो है वो मैं एक प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो इस प्रेफरेंस को फॉलो कर लेना। फर्स्ट नंबर पे आप जो है वो CS को रखना, सेकंड नंबर पे IT को रखना, थर्ड नंबर पे ECE को रखना, फोर्थ नंबर पे मैकेनिकल, फिफ्थ नंबर पे आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल, और सिक्स नंबर पे सिविल, सेवन्थ नंबर पे आप चाहो तो उससे जो है वो केमिकल रख सकते हो, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो आपको मैकेनिकल के बाद ही रखना है। तो ये जो है मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोला, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही क्वेरी आता है कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरा जो है वो रैंक इतना है और मुझे ये कॉलेज मिली है, उसका प्लेसमेंट्स क्या था होगा। तो मींस मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ने से ज़्यादा जो है प्लेसमेंट में जो है वो ज़्यादा ध्यान रहता है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, आप एक्सप्लोर कर नहीं पाओगे, मीन्स आप कहाँ इंटरेस्ट है और बस पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो वो लॉन्ग रन में उतना ज़्यादा जो है वो आप देखोगे तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा। तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा कि भाई पढ़ाई करने में। लेकिन वही अगर आप सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है क्योंकि पढ़ने के मकसद से, तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो इसलिए जो है वो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप जो है वो जो भी ब्रांच फिल करो तो उसको थोड़ा सोच समझ के फिल करो। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो CS के पीछे भाग रही है तो मैं भी CS ही लूँगा, ऐसा नहीं करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने मैक्सिमम चॉइसेस फिल करने को कही, तो ऐसा नहीं कि पूरा चॉइसेस भर देना है। क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाती है ब्रांच और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने जो है वो फ़ी पेमेंट कर दिए होंगे पहले, तो फिर आपको जो है वो फिर रिटर्न के लिए करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये कट जाएंगे और विड्रॉल के लिए और अगर जो है वो आप बहुत सारे चॉइसेस फिल कर दी, आपको जोसा में भी कोई सीट नहीं मिली, तो फिर आपको जो है वो क्या लॉस होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाओगे। और जोसा में जो है CSEBI में दो ही राउंड्स होती है, स्पॉट राउंड, तो उसमें जो है वो फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली, आपने एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड, नहीं किया अगर आपने एक्सेप्ट, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो है वो नेक्स्ट राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे। तो ये जो है वो थोड़ी गाइडलाइंस ये सभी पढ़ लेना आप, एंड बहुत सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पहले अगर आपने कम चॉइसेस फिल करी थी और अगर आप अभी तैयार हो कि हाँ मुझे जो भी सीट्स मिलेगी मैं चला जाऊँगा, तो अपने चॉइसेस को बढ़ा लो। और चूंकि आप इसमें IIT तो रहती नहीं है, तो इसमें आप जो है वो NIT को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, टॉप NIT के टॉप ब्रांचेस, फिर जो है वो टॉप NIT के लोअर ब्रांचेस, ऐसे आपको जो है वो प्रेफरेंस देना है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, एंड आप अगर अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते हो तो आप जो है वो IIIT को भी मेंशन कर लेना, क्योंकि कुछ IIIT भी हैं जो कि अच्छी हैं लेकिन उनका जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पैसे अबव ऑल मैटर करते हैं और IIIT की फ़ी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, उसमें फ़ी वेवर भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी। एंड एक टेलीग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप जाके जो है वो टेलीग्राम में ज्वाइन होके और भी अराउंड 1700 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन कर पाओगे कि कौन कौन सी चॉइसेस भरनी है, ये सभी तमाम चीज़ें। सो आई होप कि यू वुड गेट एनी सम हिंट फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।